प्रश्नावली 12.2 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बेटा कल हमने 12.1 के सभी सवाल कंप्लीट कर लिए थे, आज किस क्लास में 12.2 के सवाल नंबर 1 से आगे के सवालों को हल करेंगे। सभी सवाल महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझे और जो सूत्र मैंने बताए थे बेसिक में उन सभी सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद करें। सूत्र याद करोगे तो सवाल आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। पहला सवाल है देखो, और इसमें यह भी कहा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाए का मान लेना है 22/7। क्या लिखा है? 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखो वो इसमें हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें वर्त की त्रिज्या दे रखी है और कोण दे रखा है। बताओ त्रिज्या को कैसे लिखते हैं? आर बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण, कोण बोले तो थीटा, कोण बोले तो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। त्रिज्या तो दे रखी है 6 और कोण कितना दे रखा है? 60। हमें ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का, बताओ बेटा कल सूत्र बताया था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। मान रखेंगे, बताओ पाई का मान 22/7, बताओ त्रिज्या 6 × 6, दो बार है नहीं स्क्वायर है इसलिए दो बार लिखेंगे, और थीटा कितना और बटे में कितना, बटे में आएगा 360। अब काटो 0 से 0 ये छगना का, 6 से 6 गुणा कर लो ऊपर वालों को, 6 × 12 आना हासिल का 1, 6 × 12 और 1 × 13 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर बुक में उत्तर वाला में आगे आंसर दे रखे हो तो भाग दे लो, नहीं तो शायद यही है आंसर, यही है ना, ये उत्तर आ जाएगा। आ गया समझ में? अब दूसरा भी देख लो साथ के साथ, सवाल नंबर 2 समझ में आ गया। अब सवाल नंबर 2 में देखो बेटा क्या लिखा है, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 42 सेंटीमीटर है। देखो इधर ये वर्त है, ये क्या है, अब इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश मतलब इसको कितने भागों में बांटो, 4। ये चतुर्थांश है, प्रत्येक टुकड़ा एक चतुर्थांश है। तो बताओ बेटा अगर इस टुकड़े की बात करें तो ये क्या बढ़ गया, त्रिज्याखंड। चतुर्थांश और त्रिज्याखंड एक ही है, क्योंकि देखो इस टुकड़े की बात करें तो इसमें एक की त्रिज्या, ये दूसरी त्रिज्या और ये चाप, दो त्रिज्या और एक चाप से क्या बढ़ता है, त्रिज्याखंड। और बेटा चतुर्थांश का जो कोण होता है ना वो 90 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का, क्योंकि देखो सभी कोणों का योग कितना होता है 300, 4 कोण बढ़ रहे तो 90 क्यों जाएंगे, चतुर्थांश का कोण कितने का, और साथ ही इस वर्त की परिधि दे रखी है। देखो हमें कोण तो दे रखा है, कोण मतलब थीटा का मान तो कितना 90, और हमें दे रखी है परिधि, हमें क्या दे रखी है, वर्त की, वर्त की परिधि कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 22 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है त्रिज्याखंड का, तो देखो ध्यान रखो अगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपके पास एक तो होनी चाहिए त्रिज्या, एक होना चाहिए कोण, कोण तो है, त्रिज्या है क्या, पहले क्या ज्ञात करेंगे, कहां से, परिधि से, कहां से, बताओ वर्त की परिधि का सूत्र 2πr बराबर कितना 22, दो का तो पाई का मान त्रिज्या में करनी है बराबर कितना 22, बताओ ज्ञात क्या करनी है, इन सब का उत्तर क्या करेंगे, गुणा वाला भाग में भाग वाला, बताओ r बराबर हो जाएगा 22 × 7 तो जाएगा ऊपर और 2 × 22 आ जाएगा नीचे, उधर जाते उल्टे हो जाएंगे, 22 से 22 बताओ त्रिज्या कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। आप चाहो तो काट दो 3.5 आ जाएगी, आया नहीं काटो तो ये रहने दो, त्रिज्या आ गई। अब बताओ क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, या तो कहो चतुर्थांश या कहो त्रिज्यखंड, एक ही बात है, ठीक है, बताओ सूत्र क्या है, अभी क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई का मान 22/7 × बताओ त्रिज्या कितनी 7/2 × 7/2 बार लिखनी पड़ेगी,
सात बटा दो इंटू सात बटा दो, ठीक है, इंटू थीटा नब्बे बटा 360 आ गया। काटो भाई, सात से सात, जीरो से जीरो, दो चौका 36 और दो से काट दो इसको, ये कट जाएगा, दो से 11 बार, अब थोड़ी कट रहा है, 11 सात 77 और चार दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, आ गया समझ में, उतारो। अब देखो सवाल नंबर 3, ध्यान देना भाई। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, घड़ी की मिनट की सुई है ना, जिसकी लंबाई कितनी है। अब देखो घड़ी का जो डायल होता है ना वो कैसा होता है, वर्ताकार, कैसा होता है। अब मान लो ये मिनट की सुई है, ये हो गई मिनट की सुई, मिनट की आए, घंटे की आए, सेकंड की आए, उसे आपको त्रिज्या माननी है, क्या माननी है, त्रिज्या माननी है, तो बताओ आर बराबर कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये 14 से भी की त्रिज्या तो 14 से भी आ ही जाएगी, आगे समझ में। आगे लिखा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या करना है। अब मान लो यहां पर 12 बज रहे हैं, है ना, अब मिनट की सुई 5 मिनट में यहां आएगी, किस पर, एक पर, एक पर ही आएगी ना 5 मिनट में, 12 से एक पर ही आएगी, तो 5 मिनट में यह क्षेत्र बढ़ जाएगा, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, क्या ज्ञात करना है, बताओ यह क्षेत्र क्या बड़ा, त्रिज्याखंड, क्या ज्ञात करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, क्या क्या, एक तो होनी चाहिए त्रिज्या और एक होना चाहिए, त्रिज्या तो है लेकिन कोण है क्या, कोण हम ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान लगाओ इधर बेटा, ये मिनट की सुई है तो ये 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो बताओ 60 मिनट में एक चक्कर पूरा घूम जाएगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 का, आगे समझ में, तो ध्यान लगाओ इधर, चूंकि 60 मिनट मिनट में रचित कोण, 60 मिनट में रचित कितने डिग्री का, 360, तो बताओ एक मिनट में कितना रचेगी, एक मिनट में रचित कोण, एक मिनट में कितना, 360 बटा 60, अरे भाग दे देंगे 60 का, जीरो से जीरो, छह घटा का कितने डिग्री, अब बताओ कितने मिनट में, 5 मिनट में, 5 मिनट दे रखा है, बताओ इसलिए 5 मिनट में रचित कौन, बताओ एक मिनट में 6 का, तो 5 में 5 इंटू 6, 6 पंजू कितना, 30, बताओ कोण कितने का बढ़ गया, आ गया समझ में, कैसे निकाला कोण, आ गया ना, कोई डाउट किसी को, अरे जब मिनट की सुई है चार ओर घूमेगी, 60 मिनट में घूमती है तो चार ओर घूमते कितने डिग्री का, एक का निकालेंगे, 60 का भाग दे दे कितने डिग्री का, एक मिनट में 6 डिग्री का बढ़ाती है, तो कितने मिनट में बढ़ाना है, 5, 6, 5, 30 डिग्री का, आ गया कोण। अब बताओ हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल, मतलब किसका क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो बताओ क्या ज्ञात करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, या आप लिख सकते हो क्या, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हो, बताओ सूत्र क्या, अभी बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई का मान 22 बटा त्रिज्या 14 इंटू थीटा, बताओ थीटा कितना है, 30 बटा 360, ये देखो 7 दूनी 14, 0 से 0 ये कट गया 12 बार, 12 से 36 होता है, और 2 से कट गया कितनी बार, 6 बार, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 7 बार, अब थोड़ी कट रहा है, नहीं 22 साते 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, आ गया समझ में, उतारो एक और करवा देता हूँ, चलो साथ के साथ ही, चलो उतारो पहले। अब देखो बेटा सवाल नंबर 4, ध्यान से समझना, 10 से भी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, देखो त्रिज्या कितनी है, 10 से भी, ध्यान लगाओ इधर, त्रिज्या बोले तो आर, आर बराबर कितना, 10 सेंटी, और केंद्र पर बनाती है समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री का, बताओ थीटा कितना, 90 डिग्री, ठीक है। आगे क्या लिखा है,
निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, एक तो संगत लघु वृत्तखंड, एक संगत दीर्घ वृत्तखंड और पाई का मान लेना है 3.14। आपको यह भी कहा है कि पाई का मान आप रखो 3.14, ठीक है। अब देखो चित्र बनाओ क्या, देखो इधर चित्र ऐसे बनेगा, अगर बनाना चाहो तो, ये जरूरत नहीं है। ये वर्त है, ये वर्त का क्या है केंद्र, इसकी त्रिज्या कितनी है 10 और इस पर एक जीवा है, ये जीवा, ये जीवा क्या बनाती है वृत्तखंड, क्या बनाती है, और इस जीवा से केंद्र पर जो कोण बनेगा ना वो कितने डिग्री का है, तो एक तो इस लघु वृत्तखंड का और एक इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करना है ज्ञात, ठीक है। देखो ध्यान लगाओ इधर, सबसे पहले नंबर एक ज्ञात क्या करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। अब देखो लघु वृत्तखंड ये वाला भाग ही है, कैसे ज्ञात करते बताओ, पहले तो लेते पूरा त्रिज्याखंड और त्रिज्याखंड में से त्रिभुज क्या करते हैं माइनस, बताया था ना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आता है। बताओ सूत्र क्या था लघु वृत्तखंड का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन, अब थीटा कितना है नंबर, तो डायड या नंबर ही लिख दो, आगे समझ में। चलो भाई पाई का मान 3.14 जो वहां का है वही लेना है, आर कितनी है बेटा तो 10 × 10 इंटू थीटा कितना है 90/360 माइनस 1/2 इंटू 10 × 10 × 90 का मान। प्रश्नावली 8 में जो सारणी है ना वो सारणी आपको कंप्लीट करनी, वो यहां भी काम आ रही है आपके, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है बेटा उस प्रश्नावली में से, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखो हल करो, देखो यार 0 से 0 2 × 36 आ गया। अब इधर देखो यहां कितनी जीरो है, कितनी है तो बेटा यहां पर देखो ये पॉइंट 2 अंकों के बाद है ना, तो इन दोनों जीरो को 10 इधर गुणा करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, केवल यहां क्या रह गया 314, क्या रह गया 10 और 10 ही, ये दोनों ये पॉइंट हट गया, केवल कितना रह गया 314। 314 भी किसका भाग दे 4 का भाग लगाओ तो ये जाएगा 7 × 4 = 28 सात बार, कितना बचा 3, वापस कितना हो गया 31 हो गया ना, 7 × 4 = 28 कितना बचा 3। ठीक, देखो यहां पर 7 का भाग इसमें दो, 7 × 4 = 28 होता है ना 7 बार, कितना बचा 31 में से 28 घटाओ ना 3 ही तो बचेगा, 3 बचते वापस कितना हो गया 31, फिर 7 × 4 = 28 सॉरी पॉइंट का, चलो 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 कोई बात नहीं, देखो 7 × 4 = 28 कितना बचा 3, अब 34 हो गया, ये 34 हो गया तो 8 × 32 कतरा बच गया, अब भाग न जा रहे हो कहीं लगाऊंगा पॉइंट, कतरा हो गया 20, 4 × 5 ये गया कितनी बार 78.5 माइनस, देखो ये 2 से कट गया कितनी बार 5 × 10 कितना हो गया 50 हो गया, 78.5 में से 50 घटाओ 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आ गया। बताओ ये किसका क्षेत्रफल आ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दूसरा ज्ञात करना है दीर्घ संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बताओ बेटा दीर्घ का कैसे ज्ञात करते हैं, दीर्घ ये बड़ा वाला है ना, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटाते हैं लघु वृत्तखंड का, बताओ वृत्त का क्षेत्र, देखो इसको अगर ज्ञात करना है तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का, सूत्र लिखा था ना, बताओ वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये रहा, निकाला अभी कितना है 28.5, पाई का मान दे रखा है 3.14, त्रिज्या कितनी है 10 × 10 माइनस 28.5, देखो दोनों 10 से पॉइंट हट जाएगा
केवल कितना 314 माइनस 28.5 घटाओ, 314 में से घटा लेके 28.5 लगा के जीरो, 10 में से 5 गया, ध्यान कहाँ है, 10 में से 5 गया 5 पॉइंट का पॉइंट 3 रह गया, 13 में से 8 गया 5, या 10 में से 2 गया 8, और यहाँ कितना 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया समझ में। और ध्यान से करना, कभी कभी दिमाग को जाता है आउट। अब देखो बेटा यहां पर आपने क्या कर दिया, वर्तखंड का क्षेत्रफल, अगर वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछे ना तो ऐसे याद करो, लेकिन इसने हमें पूछा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का नहीं पूछा है, क्या पूछा है कोई बात नहीं है, संगत संगत दीर्घ संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल भी आ सकता है, अगर ये पूछे सवाल में तो ऐसे याद करना है ठीक है। लेकिन इसे हमने क्या पूछा है, नंबर दो देखो, हमसे पूछा है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अना बताओ बेटा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300। अब देखो दीर्घ त्रिज्याखंड कौन सा है, ये वाला, ये तो लघु है, ये कौन सा है, अब देखो पूरा कोण कितने का 360 का, तो बताओ इधर वाला कितने का, तो बताओ 360 माइनस 90 कितना आएगा 270, तो बताओ दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण कितना है, थीटा 270 है, समझ रहे हो बात को, दीर्घ त्रिज्याखंड ये ऊपर वाला है, ये लघु है, तो लघु का तो कोण 90 ही है ना, लेकिन दीर्घ का कितना होगा 270, समझ में आ गई, और बाकी सारी सारी रामायण वही है। पाई का मान बताओ 3.14, त्रिज्या 10 × 10, थीटा 270 बटा 360 क्या आएगा, काटो जीरो से जीरो कैंसिल, लोती लोचो का 36, और देखो 10 से 10 ये 314, और 314 में 4 का भाग दिया था क्या हमने, कहीं दिया था ना, कहा दिया था, ये यहां दिया था 78.5, डैट लग जाएगा, 4 का भाग इसमें दोगे ना 78.5, किसे गुणा कर दो 3 से, करो गुणा 5 3 हासिल का 1, ठीक है हासिल का 1, 8 दिया 24 × 1 = 25, हासिल का 7 × 3 = 21 और 2 कतराक बाद पॉइंट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज एक्स्ट्रा बताई है मैंने तुम्हें, है ना, उतारो। अब देखो भाई सवाल नंबर 5, ध्यान देना, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वर्त कि कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। देखो त्रिज्या तो कितनी है 21, आर बराबर तो है 21 सेंटीमीटर और कोण थीटा बताओ कितना है 60 डिग्री, कितना है बेटा, आगे लिखा है ज्ञात कीजिए, नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, नंबर 3 संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान, तीन चीजें ज्ञात करनी है, बहुत आसान सवाल है, ध्यान दो भाई। सबसे पहले देखो चित्र बनाओ, क्या देखो ये चित्र बनाओ तो ऐसा, ये वर्त है, ये इसका केंद्र है, ये इसकी कोई जीवा है, और ये जीवा केंद्र पर कितने डिग्री का 60 डिग्री का, और ये त्रिज्या है, त्रिज्या की लंबाई कितनी है 21, ऐसा चित्र, चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट करो आप तो, ठीक है ना। अब देखो नंबर 1 क्या ज्ञात करनी है, चाप की, सूत्र बताया था कल, देखो हमें ज्ञात करनी है चाप की, चाप की लंबाई आना बेटा, इसको हम कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, एल है ना, बताओ चाप की लंबाई मतलब ये वाली, ये वाला चाप बताओ क्या होता है, पाई आर थीटा बटा 180, ये होता है पाई आर थीटा बटा 180, इसमें पाई वाई का मान दे रखा है क्या, नहीं है, 22/7 ही आएगा, तो बताओ पाई का मान 22/7, बताओ त्रिज्या 21, थीटा और बटे में 180, जीरो से जीरो 36 7 3 3 3 22 सेंटीमीटर, और बहुत आसान आ गया भाई,
आ गया ना, आ गए 2 सेकंड भाई। अब चलो अगला, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखो ये दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखो बेटा ये वाला त्रिज्याखंड पूरा कंप्लीट, इसका क्या ज्ञात करना है? अब देखो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के दो दो सूत्र बताए थे, एक तो बताया था चाप की लंबाई वाला और एक बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यही था। अब देखो इसमें चाप की लंबाई दे रखी है तो वो लगाओ आसान रहेगा। बताओ चाप की लंबाई वाला क्या होता है? 1/2 इंटू एल इंटू आर, ये होता है 1/2 का। तो चाप की लंबाई त्रिज्या 21 आ गया ना, 2 से कट गया, गुणा करो 11 × 1 = 11 / 2 = 22 और 1 = 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हो गया। आए समझ में? नंबर 3 क्या याद करने बताओ, वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड मतलब ये वाला भाग है ना, ये वर्तखंड का क्षेत्रफल याद करना है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये कटा है ये वाला भाग, बताओ क्या होता है? पायर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। बताओ क्या होता है? ये होता है आपके पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन। अब साइन कितना है भाई? 60 डिग्री का कोण है ना, 60 आएगा। अब देखो ये सूत्र किसका है बताओ? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का है, किसका है? ये रहा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 231 है कि नहीं है? अरे सूत्र तो अलग अलग है लेकिन क्षेत्रफल तो एक ही होगा, वहां मान रखने की जरूरत है? ये मान वहां पटको, कितना? 201/2 इंटू त्रिज्या 21 21 साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2। प्रश्नावली 8 की 60 ही देखेंगे भाई, अमल करो भाई, कितना आ गया भाई? 231 माइनस, देखो ये 21 441। अब बेटा यहां पर ये अंडर रूट 3 है ना, इसका मान होगा 1.73 वर्गमूल निकालोगे तभी ये आएगा। और इसमें भी दे रखा है, किताबें भी अगले सवाल में दे रखा है, आगे सवाल में दे रखा है, आना तो याद रख लेना आप। या वो आती है आपके भाग विधि, उसे क्या निकाल लेना? वर्गमूल, आना या ऐसे 1.73 आ गया। और बटे बताओ 2 × 2 = 4 2 × 2 = 4 या तो 4 का भाग इसमें दे दो या फिर पहले गुणा कर लो फिर बाद में भाग दे देना, भाग दे दो 4 × 1 = 4 भाग टूट की 0 पॉइंट लग जाएगा 10 हो गया 4 × 2 = 4 और 4 × 20 110.25 गुणा कर दो दोनों को, कितना आया? 231 माइनस, देखो 110.25 किससे गुणा होगा? 1.73 से, गुणा करो 5 × 3 = 3 × 6 और 1 = 7 0 × 3 = 3 × 7 = 35 7 × 2 = 14 14 × 3 = 17 7 × 1 = 7 5 आएगा 2 आएगा 0 आएगा 1 आएगा 1 आएगा 5 आएगा 2 आएगा 5 × 7 = 12 3 आएगा 7 आएगा 0 आएगा 9 आएगा 1 आएगा, कितने के बाद पॉइंट लगेगा? 4 अरे याद आओगे आ गया भाई 190.7 7 × 3 ही काफी है, 2 × 5 की तो आबादी है 7 × 3 ही कड़ा ठीक है, देख लेगा फिर बाद लगभग कर देगा नंबर को डाउन तो ठीक है ना। अब 231 में घटा लिया, कतरा घटाओगे 190.73 घटाओ बेटा, 231 में से घटाएंगे 190.73 पॉइंट लगा क्या उतार दो 0 0 बताओ कितना बच गया? 7 या 2 पॉइंट या 0 या 13 में से 9 गए तो
चार, एक में से एक गया तो जीरो, यह आ गया 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में? और भी ज्ञात करना है क्या? तीनों ज्ञात करना, उतार लो कैसे हो। देखो बेटा, आप इसको पूरा करना चाहो तो ये भी आंसर राइट है। अगर आपको इसमें रूट तीन का मान दे नहीं रखा है सवाल में, अपने अपनी तरफ से रख लिया, तो आप चाहो तो इसका उत्तर यही पर कर दो। यही कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ 231 का 231, देखो 21 को 21 से गुणा किया 441 अंडर रूट 3 बटा 2 दूनी, ये आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। किताब में यही दे रखा है उत्तर, आप पूरा करना चाहो तो भी ठीक है, यही छोड़ना चाहो तो भी ठीक है। अब देखो बेटा सवाल नंबर 6, देखो क्या लिखा है। 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वर्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लीजिए और अंडर रूट 3 का मान 1.73 लीजिए। अब इस सवाल में रखना है अंडर रूट 3 का मान। दे रखा हो ना तो आगे हल करो, नहीं दे रखा हो तो हल करने की जरूरत है, जैसे पिछले सवाल में हमने हल कर दिया था। लेकिन अगर नहीं दे रखा हो तो उसको वही छोड़ दो, फिर हल मत करो। अगर मान दे रखा हो तो फिर आगे हल करो। तो देखो एक वर्त है, देखो बेटा ये है वर्त, वर्त की क्या दे रखी है त्रिज्या, और इसकी जो जीवा है ना, ये जीवा केंद्र पर कितना कोण बढ़ाती है 60 डिग्री का, और ये जो त्रिज्या दे रखी है कितनी दे रखी है 15 सेंटी। अब इसमें एक तो ज्ञात करना है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल और एक ज्ञात करना है दीर्घ वर्तखंड का। देखो लघु तो ये वाला है ना, और दीर्घ ये पूरा कंप्लीट है ना। देखो त्रिज्या कितनी है 15, कोण कितना है 60। नंबर एक क्या ज्ञात करना है, लघु वर्त खंड का। बताओ बेटा सूत्र क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का। बताओ त्रिज्या खंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, 1/2 आर स्क्वायर साइन, आर स्क्वायर साइन कितना 60। डायरेक्ट लिख दो यार मान, पाई का मान दे रखा है, दे रखा है पाई का मान लो 3.14 और अंडर रूट 3 का मान लो 1.73, ठीक है। पाई का मान तो ये लेना, अंडर रूट 3 का मान ये लेना है। अब बताओ पाई का मान 3.14, त्रिज्या 15 × 15 थीटा 60 और बटे में आ जाओ 360, 1/2 × त्रिज्या 15 × 15 और इंटू बताओ इसका मान अंडर रूट 3/2। ये उसमें टेबल में देखेंगे प्रश्नावली कौन सी में, 8 में। हल करो बेटा, 0 से 0 छगना का 3 से कटेगा 2 बार और 3 से कटेगा 5 बार, 2 से ये कट जाएगा, 2 × 1 = 2 पॉइंट 5 × 2 = 0 कैसे 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14 1.57 बार, ठीक है। कट गया सारा टीका तो 15 × 5 = 75, 75 को 1.75 से गुणा कर दो, 1.75 को किसे गुणा करेंगे 75 से, गुणा करो भाई कितना आएगा 7 × 5 = 25 हासिल का 50 25 × 3 = 28 हासिल का 5 × 2 = 7 7 × 7 = 49 हासिल का 4 7 × 5 = 35 और 4 = 39 है ना, और 7 × 7 7 और 3 कितना हो गया 10, 5 7 1 1 कतरा के बाद पॉइंट 2 कितना आ गया भाई, ये आ गया कितना, यहाँ कर देते हैं कितना आ गया भाई 117.75। अब माइनस पीछे देखो, पीछे देखो ये देखो कट ही नहीं रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो 15 को 15 से गुणा 225 इंटू इसका मान 1.73 बटा 2 × 4, ठीक है। पहले वो दोनों गुणा कर लो फिर 4 को भाग दे देगा, यहाँ कितना आ गया भाई 117.75। कैलकुलेशन थोड़ी कठिन है, बाकी ज्यादा कठिन नहीं है, 1.73 करो बेटा कितना आ गया 5 × 3 = 15 हासिल का
कितना आया इन दोनों गुणा करने पर, कितना आया 300 2 5 बटे 4, 4 का भाग भी दे लो मोबाइल से दे लो। कैलकुलेटर दे लो, तू दे ले रे। ये आ गया 117.75 माइनस, कितनी बार गया बेटा 97.31 बोलते हैं। बाकी करो, बाकी कर ले, 117 में से घटा दे, कितना आएगा? घटा दे डायरेक्ट, 5 में से ये 4, 7, 4, 6 किसे आएगा? 19.6 बावलो, अरे किसे आएगा? अच्छा ब्रो, 117.75 इसमें से घटाएंगे 97.31, तो यहाँ बचा 4, यहाँ भी बचा 4.0, यहाँ बचा 2, 20.44 आएगा। कैसे बावड़ी बातें कर रहे हो, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, आ गया ना। अब ये तो हो गया लघु वर्तखंड का, अब क्या ज्ञात करना है? अरे दूसरा करना है, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। बताओ बेटा कैसे ज्ञात करते दीर्घ का? ये बड़े वाले का कैसे ज्ञात करोगे? पूरे वर्त के क्षेत्रफल में छोटा घटा देंगे। बताओ क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल माइनस क्या आएगा? क्या आएगा? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। बताओ वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लघु वर्तखंड का कितना है? येरा 20.44। ये आया? बताओ पाई का मान? त्रिज्या 15 माइनस 20.44। ये गुणा करो सबको, 15 225, 225 को 3.14 से करो, 225 को 3.14 से 706.5 माइनस 20.44 बाकी कर दे, 20.44 घटा दे, कितना आएगा रे? कर लेना तुम, टाइम वेस्ट होगा वैसे। कितना आया? 686.006 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में? आज की क्लास समाप्त हुई, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।